नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन देव। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, कई नए राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में एक सवाल खूब पूछा जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सत्ता में वापसी होगी या फिर समाजवादी पार्टी 5 साल बाद फिर से सरकार बनाती दिखेगी। इन सवालों के बीच चुनाव के 5 चरण बीत चुके हैं, जनता अपना मैंडेट दे रही है। अब तक 5 चरणों में 292 सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है, बचे 2 चरणों में 111 सीटों पर वोटिंग होनी है और इन सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ के कंधों पर ही बीजेपी की उम्मीदों का भार टिका हुआ है। उत्तर प्रदेश में हुए पिछले 5 चरण के चुनावों को लेकर आपका सवाल हो सकता है कि बीजेपी का क्या कोई और चेहरा वहां पर प्रभावी था। ऐसा नहीं है, यूपी चुनाव इस बार योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है और पीएम मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। ऐसे में दोनों पर पूरे 403 विधानसभा सीटों पर पार्टी का भार रहा है, लेकिन छठा और सातवां चरण का चुनाव अन्य चरणों से बेहद अलग है। छठा चरण जहां सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर और आसपास के जिलों में होना है, तो वहीं सातवां चरण पीएम मोदी नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और आसपास के जिलों में होना है। ऐसे में बीजेपी के इन दोनों ही चेहरों पर सबसे अधिक दारोमदार दिखता हुआ देखा जा रहा है। आज हम इन्हीं चरणों को लेकर बात करेंगे। गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए छठा चरण अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इस परीक्षा को पास करने के लिए उनका तूफानी दौरा लगातार जारी है। गोरखपुर सदर सीट से भले ही सीएम योगी को हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा हो, लेकिन इसी जिले की अन्य सीटों के अपने मसले हैं। वहां की चुनावी लड़ाई अलग है, इसे मुख्यमंत्री भी भली भांति जानते हैं। ऐसे में वे लगातार चुनावी मैदान में उतरकर वोट मांग रहे हैं। छठे चरण में सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती और संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बलरामपुर और अंबेडकर नगर जिले में भी चुनाव होना है। इन सीटों पर कभी बसपा और सपा का वोट बैंक भी हुआ करता था, लेकिन बीजेपी ने यहां अपनी जगह बनाई है और इसे बरकरार रखने की कोशिश भी की है। और साथ ही आपको बता दें कि 1 मार्च को छठे चरण की वोटिंग को लेकर प्रचार अभियान समाप्त तो होने जा रहा है और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली कर पूर्वांचल को साधने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो छठा और सातवां चरण होना है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय, उसके बाद में चर्चा की शुरुआत करेंगे। दीपक बघेल जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। रफत फातिमा जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही डॉक्टर दयाराम भार्गव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सुबह सपा के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कौशिक जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं दीपक जी आपके साथ में ही करूंगी कि पूर्वांचल को साधने के लिए 2017 में बीजेपी ने तमाम बड़े बड़े वादे किए थे, अब 2022 में क्या लगता है उन वादों पर कितनी खरी उतरी है बीजेपी पार्टी? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही दीपक जी? मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रही हूँ, प्लीज अपनी बात रखिए। जी अमनदीप जी, जिस प्रकार से पूर्वांचल को पहले पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता था और उनके लोगों को पिछड़े पंचाधिकार होने के लिए छोड़ दिया जाता था, जी इस प्रकार का जो परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश के अंदर आया है, चाहे वो हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो गरीब कल्याण की योजना थी वो वहाँ के जन जन तक पहुंची है, लोगों को वहाँ पर शौचालय मिले हैं, लोगों को वहाँ पर मकान मिले हैं, लोगों को वहां पर किसानों को सम्मान निधि मिली है, उनके कर्ज माफी हुई है। और अगर ये तो जो गरीब कल्याण की योजना थी तो जन जन तक पहुंची, राशन की योजना जो जन जन तक पहुंची, तो इनके अलावा वहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बहुत बड़े स्तर पर काम हुआ है, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, जहाँ तो वहां पर वहां की अर्थव्यवस्था को जो रफ्तार मिलने वाली है वो मिलने जा रही है, कुशीनगर का एयरपोर्ट, ये कई सारी चीजें हैं जो पूर्वांचल को दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल को पिछड़ेपन के लिए नहीं छोड़ा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने समस्त उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की जो लहर चलाई है, और देखिए गोरखपुर सदर सीट से तो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका जो प्रभाव है इस चरण में
बहुत अच्छा रहने वाला है और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दीपक जी, इस बार तो कई अपने भी साथ छोड़ गए आपकी पार्टी से, उनका भी प्रभाव पूर्वांचल में काफी अच्छा रहा है। देखिए अमनदीप जी, चुनावों के दौरान में लोग आते हैं और जाते हैं, परंतु अंत गंतव्य जो भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद चाहिए वो उत्तर प्रदेश की जनता का चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में भी दिखाया, 17 में भी दिखाया, 19 में भी दिखाया और 22 में भी मैं देखता हूँ, जब जब लोगों के बीच में जाता हूँ वो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लेकिन दीपक जी, कुछ तो ऐसी भी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर बीजेपी के प्रत्याशियों से की पिटाई भी की गई थी जनता द्वारा, विरोध प्रदर्शन भी देखा, विरोध के हमने नारे भी देखे, कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई थी और खास करके पूर्वांचल के क्षेत्र से ही थी। देखिए रमनदीप जी, कुछ जगह पर हो सकता है थोड़ी बहुत नाराजगी हो, जनता जनार्दन है वो सर्वोपरि होती है, अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है, परिस्थितियां बनती है तो ऐसा नहीं कि सब जगह विरोध हो रहा है, कुछ घटनाएं ऐसी छोटी छोटी जो ध्यान में आती है ऐसी हुई है, परंतु अंतर्गत हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को विभिन्न स्तरों पर क्षेत्र के बीच में लोगों के बीच में बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, प्रत्याशी को भी बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। अभी विपक्षी पार्टियों के लोगों को तो दिखाया नहीं मीडिया में, वरना मैं उनका देखता हूँ तो वो तो प्रचार भी नहीं कर पा रहे, उनकी तो स्थिति इतनी गंभीर है तो वो लोग कैसे चुनाव जीतने की बात करेंगे। ठीक है, और सपा से भी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, मोहम्मद असलम कुरैशी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। कुरैशी जी, दीपक जी की बात मुझे लगता है आपने भी सुनी होगी, प्रचार को लेकर वो विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं और खास करके जब भी बीजेपी विपक्षी पार्टियों का जिक्र करती है तो पहले नंबर पर नाम होता है समाजवादी पार्टी का, क्या कुछ कहिएगा? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही कुरैशी जी? मैडम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मनदीप जी, हमारे पास सिर्फ विकास का एजेंडा है, शिक्षा का एजेंडा है, स्वास्थ्य का एजेंडा है, हम विकास पर काम करेंगे, शिक्षा पर काम करेंगे, हम जातिवाद पर काम नहीं करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम पर काम नहीं करेंगे, हम सब कुछ साथ लेकर चलने का काम करेंगे। पूर्वांचल की तरफ जो छठे सातवें दौर का जो आप चुनाव देख रहे हैं, हमारी छोटे नाव में हमारी सरकार बन गई है, ये समाजवादी जो सरकार है इतना जन आंदोलन और जनाधेश सरकार को मिलने वाला है, माननीय अखिलेश यादव जी को मिलने वाला है, नई सोच को मिलने वाला है, इस बार इतिहास लिखा जाएगा कि माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनेगा, विकास की राह पर इस रफ्तार से चलेगा कि आप कोई भी प्रदेश उसके आगे पीछे नहीं लगा रही, आप सिर्फ विकास का एजेंडा होगा, सच्चाई का एजेंडा होगा और जो न्याय का राज है वो गिरेगा, यहाँ कोई भी किसी भी समाज का जो होगा वो गलत कार्यों से अलग हटते हुए उसको विकास की ओर, माननीय अखिलेश यादव जी की जो आवाज है कि विकास पथ पर उत्तर प्रदेश चलेगा और उसी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर चल रहे हैं। लेकिन कुरैशी जी, पूर्वांचल की तो पूरी की पूरी राजनीति जातिगत समीकरण पे ही रही है आधारित। देखिए तो कांग्रेस की राह पर भी आगे बढ़ रही है पार्टी, कांग्रेस भी तो विकास के ही दावे कर रही है। देखिए कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है, वो कांग्रेस का हमने पिछली सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में करके दिखाया, चाहे चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की नींव रखना हो, चाहे लखनऊ एक्सप्रेस वे हो, चाहे लखनऊ मेट्रो हो, 55 लाख महिलाओं को विद्या पेंशन देने का काम हो, शिक्षा के क्षेत्र में लैपटॉप देने का काम हो, मेट्रो देने का काम हो और 100 गाड़ियां देने का काम हो, पुलिस मुख्यालय देने का काम हो और ना जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो माननीय अखिलेश यादव जी ने करके दिखाएंगी और अब से इस बार माननीय अखिलेश यादव की अगुवाई में ये प्रदेश विकास की राह पर चलेगा। आप देखेंगे विकास का दूसरा नाम जो होगा तो माननीय अखिलेश यादव होगा। ठीक है फातिमा जी, कांग्रेस पार्टी भी लगातार विकास के मुद्दों को लेकर ही आगे बढ़ रही है, समाजवादी पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे थे मुझे लगता है आपने भी बखूबी सुना होगा, अब आपका क्या कुछ स्टैंड रहेगा और साथ ही अब पूर्वांचल में इलेक्शन होने जा रहा है तो कितनी सीटों की उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को? विकास की बात करें, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे हमने जो है विकास की लहर
पूरे प्रदेश में दिख रही है। तो वो लहर कहाँ दिख रही है ये सबको पता है, वो होर्डिंग पोस्टर में जरूर दिखी लेकिन जमीन पे कहीं नहीं दिख रही है। और अगर इनको ये केशव प्रसाद मौर्य सिराथू में जिस तरीके से भगाए गए हैं, पब्लिक ने उनको घेर लिया था, अगर ये छोटी छोटी घटनाएं होती है तो हमें तो लगता है कि भाजपा में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है। इनके डिप्टी सीएम अगर घेरे जा रहे हैं उसको वो छोटी घटना बता रहे हैं, वो इतनी ये जनता का आक्रोश है जो इनके लिए इनके प्रति दिख रहा है। और जहां तक विकास की बात है, जाहिर है उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि वो विकास के नाम पे, बदलाव के नाम पर ही परिवर्तन लाएगी। और 10 मार्च को इस परिवर्तन का नतीजा भी आप देखिएगा, क्योंकि जनता को ध्रुवीकरण के खेल में, सांप्रदायिकता के खेल में इतना उलझा दिया गया था कि जनता इस बार बिल्कुल इनके खेल में नहीं आ रही है। लगातार जिस तरीके से सांप्रदायिक एजेंडा चलाया गया था, 5 चरण आपने देख लिए, जनता मौन रही, हर तरीके से सार्वजनिक मंचों से उसको भटकाने की कोशिश करी गई। अगर इतना ही विकास करा था तो अपने मंचों से ही विकास की बात करते, अपनी योजनाएं गिनाते जनता को, लेकिन वो नहीं गिना पाए। अब आप 80-20 की बात कर रहे हैं, आप कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, आप कभी दंगों का खौफ दिलाते हैं जनता में। तो ये जनता अब इतना जो है मूर्ख नहीं है और ना ही जो है बनना चाह रही है। उसको अपने शिक्षा के लिए, उसको अपने रोजगार के लिए, उसको अपनी जो है जो महिला सुरक्षा है उस पर वोट देने के लिए अब एक मन बना लिया है। तो जहां तक कांग्रेस का सवाल है, प्रियंका जी ने जिस तरीके से जनता को के बीच जाकर जो एक विमर्श करा है, उससे भी जनता ने जो है बिल्कुल पूरी तरीके से जो है कांग्रेस के जो साथ कंधे से कंधा मिला के अपार जन समर्थन और प्यार मिल रहा है उनको, जहां जहां वो जा रही है। तो आप देखिएगा 10 मार्च को अनएक्सपेक्टेड नतीजे जो आएंगे वो हम सब देखेंगे और ये इतिहास बदलेगा। ठीक 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 दीपक जी, 80-20 का बार बार जिक्र हो रहा है, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसका जिक्र कर रहे थे, अब ऐसे जनता को बांटने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्योंकि अगर विकास के कामों पर ही आपको इसका भरोसा है कि यूपी की जनता एक बार फिर से बीजेपी पर अपना भरोसा जताने वाली है, तो फिर ये 80-20 का जिक्र क्यों होता है बार बार? देखिए अमनदीप जी, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास हुआ है, विकास तो हुआ है, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। जो लोग कल तक अली की बात करते थे, आज वो बलि की बात करते हैं और आज वो बजरंग बली के मंदिर हनुमानगढ़ी में जाके दर्शन करते हैं। कल तक जो राम थे वो तो मंदिर से विकास का क्या लेना देना? दीपक जी, मंदिर से विकास का क्या लेना देना? जी जी, मंदिर से विकास का क्यों लेना देना नहीं? देखो, एक बहुसंख्यक लोगों के आस्था के केंद्र हुआ करते थे, आज उनका विकास हुआ है वहाँ पर, क्या एक बात बताइए, वहाँ पर सैलानी आएंगे, वहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे क्या वो किसी होटल में नहीं रुकेंगे? वो क्या किसी गाड़ी से ट्रेवल नहीं करेंगे? वहाँ पर ऑटो रिक्शा नहीं लेंगे? वहाँ पर वो रेस्टोरेंटों में खाना नहीं खाएंगे क्या? वहाँ पर और जो इस प्रकार का जो वहाँ पर वातावरण बनेगा, इससे क्या वहाँ रोजगार उत्पन्न नहीं होगा? क्या वहाँ की दुकानें नहीं चलेंगी? क्या वहाँ के लोगों को और अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो रोजगार है आपके लिए? ठीक है, तो मंदिर का विकास, उत्तर प्रदेश का विकास, यही कहना चाह रहे हैं, मंदिर का विकास, उत्तर प्रदेश का विकास। ठीक है, सुबह सुबह की प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं, दोबारा आऊंगी आपके पास में। ठीक है ठीक है ठीक है, जनता जनता रिपोर्ट कार्ड जरूर देगी आपको, जनता रिजल्ट देगी ना आपको। ठीक है दयाराम जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा, और साथ ही आपकी पार्टी को कितनी ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि इस बार तो समाजवादी पार्टी से आपने गठबंधन किया है। देव जी, अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि मंदिर बना करके विकास कर दिया। आप देश के प्रदेश के 24 करोड़ जनता और देश के 135 करोड़ जनता को भारतीय जनता पार्टी केवल इसी में गुमराह करके रख रखी है। अभी देखिए देश के प्रधानमंत्री रोजगार की कैसी कैसी व्याख्या करते हैं, हमें तो बड़ी हंसी आती है। देश के प्रधानमंत्री को हुआ क्या है? अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जाके बोले कि अब गोबर से गोबर इकट्ठा किया जाएगा, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आप बताइए गोबर कंडा से रोजगार मिलेगा? देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आता है? मतलब पढ़ा लिखा युवा जाके गोबर का काम करेगा उठा के? मेरा ये वक्तव्य है, मेरी ये मांग है, भारतीय जनता पार्टी गोबर उठाने का काम, कंडा बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर वक्ताओं को देने का काम करे, और किसी को नहीं चाहिए। युवा बेरोजगार जो है, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में, अमनदीप जी, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जब पिछड़ों का SC ST का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी की सरकार ने लूटा, तब ये दीपक भाई ने नहीं बोला। अब आप देखिए वही 68,500 का मामला है, वही 12,660 का मामला है, वही 72,634 का शिक्षक भर्ती में उसने पिछड़ों का हक लूटा, उसकी चर्चा ये लोग नहीं करते हैं। आप देखिए जो BED के TT के जो क्या नाम है परीक्षाएं रद्द हुई, लीक हुई, उसकी चर्चा नहीं करते। 11 लाख सरकारी पद उत्तर प्रदेश में खाली है। दयाराम जी, पेपर तो पहले भी लीक हुआ था ना। 22 लाख
जिस पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया है, जब उसकी सरकार थी पेपर तो तब भी लीक हुआ था और इससे ज्यादा बार ही हुआ था। आप सुने, सुन लीजिए, मुझे कहने दीजिए भाई। हम जब इनकी सरकार में थे, आप अमनदीप जी उठा के देख लीजिए, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जहूराबाद से विधायक बन के गठबंधन में जब कैबिनेट मिनिस्टर बने थे, हम 3 महीना सरकार की गतिविधियों को देखने के बाद, आपने देखा होगा जिस समय, अब आपको मैं बताता हूँ, उत्तर प्रदेश के सदन में जब सदन में छात्रों की छात्रवृत्ति की बात आती है, उसी लखनऊ की सदन की बात करता हूँ, हमारे छात्र के जो है सामान्य जात के जो छात्र है उनकी संख्या जो है 7 लाख है। योगी सरकार ने 7 लाख सामान्य जात के छात्रवृत्ति के लिए 700 करोड़ रुपए देती है। वही उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जात के 25 लाख छात्र है उनको भी 700 करोड़ देती है। वहीं से बगावत शुरू हो जाता है। ठीक है, ये आरोप बहुत सारे नेताओं ने पहले भी लगाए थे। दयाराम जी, कई सारे नेताओं ने ये आरोप लगाया था कि पिछड़ों की अनदेखी की गई है, कई सारे तो पार्टी छोड़कर चले गए, इस पर जल्दी से जवाब ले लेते। दीपक जी बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों के लिए काम किया। आज ये समाजवादी पार्टी और समाज पार्टी जो प्रवक्ता महोदय है, आज पिछड़े छात्रों की दयाराम जी प्लीज अब जवाब ले लेने दीजिए, सवाल खड़े किए ना आपने, अब जवाब लेने दीजिए, जल्दी बोलिए दीपक जी। अमनदीप जी, 2016 के अंदर SC/ST वर्ग के सभी छात्रों की जो छात्रवृत्ति थी वो अगर बंद करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया, उनके साथ में जाके गठबंधन करते हैं तो ये पिछड़े छात्रों की बात कैसे कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 13,620 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति पूरे कार्यकाल में दी है, ये कम नहीं होती। हमने छात्रों के लिए काम किया। ये कौन सा डेटा आप शेयर कर रहे हैं? ये कौन से रिपोर्ट का डेटा आप शेयर कर रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश के जो छात्रवृत्ति का जो डाटा है वो पूरा है। कहां कौन से रिपोर्ट में, कौन से रिपोर्ट आप शेयर कर रहे हैं? मुझे लगता है आपकी पार्टी ना खुद से ही कोई रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लेती है। ये सभी जवाबों में से जो समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट है और समाज कल्याण विभाग के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाई जाती है, समाज कल्याण के विभाग से निकाली गई रिपोर्ट है। दीपक जी, एक नहीं दो नहीं, नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है कि आपकी पार्टी ने पिछड़ों की अनदेखी की है। देखिए, अगर पिछड़ों की अनदेखी हुई होती तो एक बात बताइए, जब वो बहुजन समाजवादी पार्टी में से निकल कर आते हैं तो बहुजन समाजवादी पार्टी की बुराई करते हैं, आज वो यहाँ से मिले तो आज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बुराई कर रहे हैं। असल में उन लोगों के जो मंजूबे थे वो पूरे नहीं हुए। अगर वो इतनी बुराई कर रहे थे तो उनकी बेटी भी तो भारतीय जनता पार्टी में आती है तो क्या उनको आपकी पार्टी ने गठबंधन क्यों किया? आपकी पार्टी ने गठबंधन क्यों किया? अब गठबंधन टूट गया तो आप जो सवालों की बौछार कर रहे हैं, अगर इतनी ही खामियां थी तो पहले गठबंधन क्यों किया था सरकार बनाने के लिए? गठबंधन, देखिए अमनदीप जी, गठबंधन इसलिए किया गया था कि सभी के जो लोग हैं उन सबको मौका मिले, उन सबका एक नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर आए, वो अपने समाज की बातें करे और संपूर्ण समाज की बात होगी। जब उत्तर प्रदेश और पूरा देश विकास के पथ पर जाएगा तो हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर किसी एक समाज और एक वर्ग को भी अगर पीछे छोड़ दिया तो पूरे उत्तर प्रदेश का विकास सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। परंतु इन लोगों ने अपने दयाराम जी जल्दी से बहुत संक्षिप्त में आप जवाब दीजिएगा, मुझे कौशिक जी के पास भी जाना, जल्दी से संक्षिप्त में जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में अमनदीप जी, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला ना हुआ होता तो आज पिछड़ों के भी बेटे बेटे चौकीदार चपरासी या DM/SDM बने होते, ये लोग उस पे बात नहीं करते। आप बताइए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट अगर लागू हो जाती उसमें पाल बघेल के बच्चे जाकर के नौकरी पाए होते, ये किस मुंह से पिछड़ों की बात कर रहे हैं हमारे दीपक बघेल जी? आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती पिछड़ों के साथ में योगी सरकार ने किस तरह किया? कौशिक जी, जरा आप ही हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी डिबेट करने बैठते हैं तो समाजवादी पार्टी खामियां निकालती है, बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनाती है। ठीक है दीपक जी, दयाराम जी, आगे आपको बोलने का मौका दूंगी। कौशिक जी, थोड़ा दर्शकों को आप समझाइए कि एक तरफ पूर्वांचल की राजनीति, दूसरी तरफ जो उपलब्धियां गिनाई जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, इस बार का जो चुनाव 2022 का चुनाव है अमन कौर साहब, वो देखेंगे कि 2017 के चुनाव में जो राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी के साथ थे, जैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन था, और ये जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी हों, निषाद जी जो हैं, संजय निषाद जी निषाद पार्टी के समाजवादी पार्टी के साथ थे, ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा के साथ थे, अनुप्रिया पटेल भाजपा के साथ थी, दूसरा ग्रुप जो कृष्णा पटेल है
वो अलग से चुनाव लड़ा था। तो पूर्वांचल की जो राजनीति थी 2017 की, वो मुझे लगता है बहुत भिन्न टाइप की थी। ब्राह्मण वर्ग भी मुझे लगता है भाजपा के साथ गया था, इस बार ब्राह्मणों की नाराज की है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में कुछ अलग जो अपनी दखल पूर्वांचल में करते हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं। निषाद पार्टी सपा से छूट करके भाजपा के साथ आ गई है। ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा से चल के समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रही है। तो बिल्कुल परिदृश्य 2017 से देखा जाए तो बिल्कुल अलग है। और जो राजनीतिक दल जिन मुद्दों के साथ चुनाव 2017 में लड़ रहे थे, वो 2022 में भी उनके मुद्दे अलग हो गए। जैसे ओम प्रकाश राजभर जी जिन मुद्दों के साथ भाजपा से गठबंधन किया था, कई ऐसे मुद्दे थे जिससे वो नाराज भी हुए। और जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं इस समय, वो तमाम डिबेटों में उन्होंने चिल्ला चिल्ला के भाजपा के खिलाफ कहा, भार्गव साहब ने, कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है वो लागू क्यों नहीं की जा रही है। तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कब लागू होगी? और मुझे लगता है कुछ ऐसे ही मुद्दे और थे कि जहाँ उनकी सुनवाई कैबिनेट मंत्री के रहते हुए थाने स्तर पर भी सुनने के लिए लोग तैयार नहीं थे। वो गठबंधन टूटा। और 2019 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो एक बार और चांस था कि शायद सपा भाजपा के साथ फिर गठबंधन कर ले, लेकिन वो फिर सीटों को लेकर के भी कुछ तख्तियाँ ऐसे दोनों दलों के बीच हो गई जो वो नहीं हो पाई। आज मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के संघ जिस तरीके से सपा गई है, वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होने के लिए मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में वो संदेश होना चाहिए था कि हमारी सरकार आएगी और इस तरीके से उस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करेगी। इन्हीं का दल कहता था कि जो ओबीसी की जो आरक्षण की नीति है, जो फायदा मिलना चाहिए था, कुछ जाति विशेष के लोग ही ने आरक्षण पर कब्जा कर लिया और अति पिछड़े जो ओबीसी है वो रह गए, उनको न्याय नहीं मिल पाया। इसी तरीके से सामाजिक न्याय समिति जो 7-9-11 की स्थिति में जो बंटवारा हुआ था, हो सकता है कि आरक्षण के माध्यम से वो समानता के स्तर पर आए जो बहुत वर्षों से छूटे हुए हैं। ये ओम प्रकाश राजवर्दी राजनीति में कई मंचों से उन्होंने इस बात को रखा, लेकिन मुझे लगता है अब की बार सामाजिक न्याय समिति की ओम प्रकाश राजभर से बिल्कुल बात नहीं हो रही है। कोई भी प्रवक्ता इसको बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो सीधा सीधा आरोप समाजवादी पार्टी पर लगता था। चाहे पीसीएस की नियुक्तियों की बात हुई, तमाम उसमें यादव थे ओबीसी के नाम पर, तमाम नियुक्तियाँ हुई थी, ओबीसी का पूरा कोटा यादव जाति ने लिया था। ये सब आरोप थे और जाँचें भी हुई, और मुझे लगता है हर जाँचे की रिपोर्ट भार्गव साहब के पास भी होगी। भार्गव साहब जानते भी हैं क्या स्थिति उसकी रही। लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है वो थोड़ा सा बदला हुआ इलेक्शन है, क्योंकि पिछली बार देखोगे कि लगभग दो चक्रों में 111 सीटें बची है, उसमें लगभग 72 सीटें बीजेपी के पास थी, और यदि छठवें चरण की बात कर लें तो लगभग 40 सीटें बीजेपी के पास है। और मोदी ने अंतिम समय पर 3 दिन दिए थे वहां पूर्वांचल को दिए थे, वो इस बार भी स्थिति है। तो क्या वो पूर्वांचल का दौरा प्रधानमंत्री का फिर उस चीज को प्राप्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? क्या जो ओम प्रकाश राजभर जी जो राजनीति कर रहे हैं ओबीसी की, क्या वो ओबीसी वर्ग संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है? क्योंकि तमाम ओबीसी नेता बीजेपी के साथ भी हैं और तमाम मुद्दों को लेकर के ये मुझे लगता है कि ओबीसी की राजनीति वहां बटी हुई है। ब्राह्मण वर्ग जो बीजेपी के साथ खुल के था, हरिशंकर तिवारी, शुक्ला जी बीजेपी में ही है, जो जहां कहीं 2002 में जिस तरीके से योगी जी को चुनाव हरवाया था, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का और अमित शाह का आशीर्वाद रहा, उनको वित्त राज्य मंत्री बना दिया और ब्राह्मण नाराज के दूर करने के लिए जो कमेटी बनाई है उसका चेयरमैन भी बना दिया। और ये सुर्खियां आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को शुक्ला जी ने कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे रखा है। तो ये सारे हरिशंकर तिवारी जी के साथ दिल्ली में मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री उनको लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं पार्टी में, तो वो समाजवादी पार्टी उनके पुत्र ज्वाइन करते हैं और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं मुझे लगता है। तो इस बार का जो इलेक्शन 2022 का होगा वो 2017 से बिल्कुल अलग होगा, और जो नतीजे 10 मार्च को आएंगे वो बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजे होंगे वाकई में कौशिक जी। और कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये चुनौतियां भांप चुकी है पहले, और 2017 की तर्ज पर अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल में कैंप भी करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर बिल्कुल बीजेपी पूर्वांचल को साधने की कोशिश कर रही है। और साथ ही 2017 की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कैंप करने जा रहे हैं, तो क्या जो एक्सपर्ट्स अभी तक दावा कर रहे थे बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है पूर्वांचल को साधना, क्या अब बीजेपी भी इस चुनौती को भांप चुकी है? दीपक जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, अगर कोई टेक्निकल खामी है तो प्लीज उसको दुरुस्त कीजिएगा। दयाराम जी जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए
अभी हमारे भाई ने कहा, आप लोग जो कह रहे हैं और अभी हमारे कौशिक भाई जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि राजभर जी का बयान समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की लागू नहीं हो रही, मैं आपको बता दूं, ये हमारा देखिए, इसमें देख लीजिए, ये मैं इसीलिए इसको जूम करके देखिए, सारे मुद्दाओं के साथ हम हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह तय किया है कि राजभर जी हमारी सरकार बनवाइए, आपके मुद्दे हमारे मुद्दे हैं। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था लेकिन नहीं किया, तो जिसने नहीं किया ठगने का काम किया वो दूसरों पे लांछन और ब्लेम लगाने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, योगी सरकार 60 पैसे यूनिट बिजली खरीदती है, घरेलू गांवों में 7 रुपए यूनिट देती है और शहरों में 8 रुपए यूनिट देती है। बगल का दिल्ली प्रदेश है, 2 रुपए 10 पैसे यूनिट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, 3 रुपए कुछ पैसे यूनिट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में है, 2 रुपए 75 पैसे यूनिट है। क्या वजह है उत्तर प्रदेश में आप 7 रुपए 8 रुपए यूनिट ले रहे हैं? तो आप बताइए उत्तर प्रदेश के जनता को, जो भारतीय जनता पार्टी होगी सरकार ठगने का काम नहीं कर रही है। अगर हम मुद्दे की बात करते हैं, क्या नाम है ये देखिए इसको, तो ये लोग इसी को तो प्रचार नहीं करना चाहते। हम हमेशा गांव गरीब किसान मजदूरों की बात करते हैं, हम शिक्षा रोजगार दवाई की बात करते हैं, हम महंगाई की बात करते हैं। महंगाई आज इतना चरम सीमा पे है, हम आपको बताना चाहते हैं, आप देखिएगा, जब सिलेंडर जो है 425 रुपए था तो भारतीय जनता पार्टी को वो डाइन दिखती थी, आज 1000 के पार है। आज महंगाई जो है भारतीय जनता पार्टी की मौसी लगती है। जब 55 रुपया लीटर सरसों का तेल था अमनदीप जी, तब जो है भारतीय जनता पार्टी को महंगाई डाइन दिखती थी, आज जो है सरसों 200 रुपया लीटर है, आज जो इनकी मौसी लगती है महंगाई। आज ठीक है भार्गव जी, जल्दी से जवाब ले लेते हैं, जल्दी से जवाब ले लेते हैं। दीपक जी, इन सभी मुद्दों पर तो जवाब दीजिएगा, साथ ही कैंप को लेकर भी आप अपनी बात रखिए। लोगों के लिए काम किया, आप बताइए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी सरकार भी तो कितने मेडिकल कॉलेज से 12 मेडिकल कॉलेज बना नहीं पाए, उसके बाद उनसे ठगने किए। एक्सप्रेस वे की बात कर लेते, एक एक्सप्रेस वे होना पाए, आज 5-5 वे एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। अगर रोजगार की बात करें तो 1,98,000 रोजगार दे दिए गए, हमने 4.5 लाख रोजगार दिए, हमने एमएसएमई में भी रोजगार दिए, हमने स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार दिए, तो क्या वहाँ की जनता को लाभान्वित नहीं हुए? हमने राशन भी पहुंचाया, ये सारी चीजें हैं जो बेसिक लोगों तक पहुंची है, चाहे शौचालय हो, चाहे मकान हो, उस मकान के अंदर लाइट का कनेक्शन हो, उसके अंदर गैस का कनेक्शन हो। दीपक जी, पूर्वांचल के युवाओं ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था कुछ समय पहले, और ये मांग की गई थी कि रिपोर्ट साझा कीजिए कि वो कौन से 4.5 लाख युवा है जिनको रोजगार दिया गया है, पर रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। जी देखिए, रिपोर्ट का पूरा पेश है, हर बार कार्मिक विभाग ने अपने सारे आंकड़ों को बताया कि देखिए यहाँ यहाँ पे हमने रोजगार दिया, उसके बाद में भी अगर किसी ने उनको बरगलाने का काम किया तो विपक्ष ने काम किया। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हमने 1.5 लाख पुलिस के अंदर दिए, 1.5 लाख शिक्षक भर्ती के अंदर दिए और विभिन्न लिपिक भर्तियों के अंदर हमने रोजगार दिए। जहाँ जहाँ विरोध प्रदर्शन होता है उसको स्वीकार करने की जगह आप लोग विपक्ष पर क्यों आरोप लगाना शुरू कर देते हैं? क्या सत्ता पक्ष से ज्यादा हावी हो गया विपक्ष? देखिए, जिस प्रकार से जो विपक्ष है, जिसने हमेशा से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर न्यूसेंस क्रिएट करने का काम किया, ये लोग ऐसे लोगों को, जो न्यूसेंस क्रिएटर है, ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले लोग हैं, इन लोगों ने सबसे ज्यादा दंगे करवाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी मुद्दा हो, उस पर विपक्ष किसी भी पॉजिटिव भूमिका नहीं लेता, हमेशा नेगेटिव भूमिका में नजर आता है। ये विपक्ष का काम है केवल सरकार की कामों का विरोध करना। बिजली बिल को लेकर जवाब दीजिए, जिस पार्टी ने आपके साथ में गठबंधन किया था 2017 में, वही आरोप लगा रही है कि आप 2022 में सबसे महंगी बिजली दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार। अमनदीप जी, उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली नहीं आती थी, 4-4 घंटे गाँव में मिलती थी, आज 24-24 घंटे भंग घंटे उत्तर प्रदेश के अंदर मिलती है। 1,38,00,000 लोग ऐसे थे जो कभी बिजली से वंचित रहे थे, आज इन लोगों के घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। ठीक है, दयाराम जी, मैंने आप दोनों को बोलने का मौका दिया, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। फातिमा जी, आप बताइए, विकास के मुद्दों को लेकर अभी सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, कांग्रेस भी उन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, आप ये बताइए कि अभी वादे तो बहुत ज्यादा किए हैं कांग्रेस पार्टी ने, अगर सरकार बनती है, बहुमत मिलता है, तो उसको लेकर क्या कुछ मास्टर प्लान रहेगा, किस तरह से आगे की प्राथमिकता रहेगी पार्टी की? सब भी कह रहे हैं कि हमने जो आंकड़े कह रहे हैं,
वो ये कह रहे इन्होंने लाखों रोजगार 70 लाख रोजगार देने का वादा करा, लेकिन जिस तरीके से 16 लाख नौजवानों के रोजगार छिन गए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सब आंकड़े कह रहे हैं। और ये कहां इन्होंने रोजगार दिया, जब बेरोजगार सड़कों पे आते हैं तो इनके ही शिक्षा मंत्री बात करने बुलाते हैं लेकिन बात ना करके लाठियां मारते हैं। और जहां तक हमारा सवाल है, हमने 40% महिलाओं को टिकट देने का वादा करा, तो वादा नहीं करा हमने, करा करके दिखाया। तो आगे भी हम जैसे कि जो भी हमारा प्लान है हम उसको बखूबी निभाएंगे, क्योंकि इनकी कथनी करनी में अंतर है, हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं है। हम सच में विकास करना चाहते हैं और परिवर्तन लाना चाहते हैं, क्योंकि जो जनता के हित की बात करते हैं, अगर जनता के हित की बात ना करके कभी मंदिर मस्जिद की बात करें, कभी गाय की बात कर रहे हैं, कभी जो है और तो और बहुत बड़ा मुद्दा छुट्टा जानवर, जो इनको नहीं दिख रहा है, पूर्वांचल में यही इनको ले डूबेगा। जिस तरीके से किसान परेशान है, फसलें तबाह हुई हैं, उसी तरीके से नौजवान ही परेशान है अपने रोजगार के लिए। 25,000 नौजवानों ने आत्महत्याएं करी आर्थिक तंगी से जूझते हुए। 100 में से लगभग जो है 50 बच्चा ऐसा है जिसके पास काम नहीं है। तो नौजवान इस टाइम परेशान है, रोजगार बड़ा मुद्दा है, इनको इनको दिख नहीं रहा। ये यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं लेकिन जमीन पर जाइए तो पता चलता है कितना नौजवान इधर उधर भटक रहा है सिर्फ नौकरी के लिए। और आत्महत्याएं तो आपने भी देखी होंगी, ये वीडियो तक लोगों ने डाले हुए, व्यापारियों ने आर्थिक तंगी से जूझते हुए कोरोना के बाद जो हालात बने, लेकिन उसके बाद भी इनको सांप्रदायिक एजेंडा दिखता है लेकिन रोजगार नहीं दिख रहा। महिला की बात कर ले हम, महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े होल्डिंग लगते हैं महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, लेकिन दरअसल हकीकत क्या है, महिला आयोग कह रहा है कि जो 31,000 अपराध की घटना महिलाओं के सम्मान में, कांग्रेस भी तो उत्तर प्रदेश में मैदान में दिखाई देती है, उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है उसमें, कि उसके बाद 30% बढ़ोतरी हुई है। तो ये आंकड़े कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, और विपक्ष इनको बरगलाता दिखेगा क्योंकि इनको जो है सही सुनने की आदत नहीं है, ये जबाने बंद करते हैं। ये जब बच्चा अगर कोई रोजगार मांग रहा है तो बुराई क्या है, तब विपक्ष बरगला रहा है। अगर किसान जो है बॉर्डर पे बैठा हुआ है तो वो विपक्ष का आदमी हो गया, मवाली हो गया, वो आतंकवादी हो गया। आखिर क्यों 12 महीने बाद प्रधानमंत्री जी को कानून वापस लेने पड़े, कहीं ना कहीं तो ये खुद बैकफुट पे आए किसानों के मुद्दे पर, इनको हार माननी पड़ी है और किसान हमारा जीता है, लेकिन तब भी ये विपक्ष की चाल कह रहे थे। तो इनके पास जब कहने के लिए कुछ नहीं होता तो विपक्ष पे इल्जाम लगाते हैं, ये इनकी एक तरीके से जो है तानाशाही है, जो देश देख रहा है और जनता देख रही है। 10 मार्च को वही जनता इनको सबक सिखाएगी। ठीक है कुरेशी जी, विपक्षी पार्टियों पर जब आरोप लगते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी का जिक्र तो हमेशा से ही होता रहा है, और उससे पहले आप ही की पार्टी की सरकार थी, आरोप लग रहे हैं, सवाल कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर भी खड़े होते हैं। बेरोजगारी को लेकर आप लोग लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिन पहले ही ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी साझा की कि बेरोजगारी दर तो समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा था, उसके बाद में 4.8% अब बीजेपी की सरकार में रह गया है। पूर्व की सरकार ने इतना विवाद करके दिखाया था, उसी योगी सरकार ने उस सबको तहस नहस कर दिया। माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश को उस राहत लेकर चलेंगे जो युवा देखता है, युवा को रोजगार चाहिए, युवा को शिक्षा चाहिए, युवा को सेफ्टी चाहिए, हमारी बहन और माताओं को सुरक्षा चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी इस बार ऐसी सरकार बनाएंगे जहां युवा भी खुश होगा, बुजुर्ग भी खुश होगा, किसान भी खुश होगा। आप देखेंगे कि इस सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बनने जा रही है, उसमें आपको सिर्फ विकास ही विकास दिखाई देगा, वहां कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है दयाराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दयाराम जी आप अपनी बात तो पूरी कीजिएगा लेकिन ये भी बताइए कि आप भी तो पिछले कई सालों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, ना तो इससे पहले बीजेपी की तरफ से टिकट मिला और अब गठबंधन तो कर लिए हैं लेकिन उसके बावजूद अब एक बार फिर से आपको टिकट नहीं मिला है, तो क्या इसी की नाराजगी है? देखिए ऐसा है अमनदीप जी, समझिए भारतीय जनता पार्टी झुमला पार्टी, झूठी स्थान पार्टी, गुमराह करने वाली पार्टी, और इसका मैं साबित करता हूँ। आप बताइए आज भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा इस कदर है उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बताता हूँ। देश के गृह मंत्री के अनाप शनाप बयान देख लीजिए, थोड़ा रोकूंगा, ये कब पता चला? देखिए देखो भाई सुनिए, भाई सुन लीजिए, रोकिए नहीं भाई, अरे सुनिए भाई, सुनिए 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 कह रहे 5 साल पूरा निकाल दिया और जब इलेक्शन आ गया तो आपने गठबंधन तोड़ दिया, तो इतना वक्त क्यों लग गया समझने में? सुनिए सुनिए भाई, अरे सुनिए सुनिए, अरे सुनेंगे भाई, सुन तो लीजिए अमनदीप जी, सुन तो लीजिए भाई। देखिए ऐसा है, प्लीज बोलिए, अगर हमें, अगर भारतीय जनता पार्टी
बढ़िया शासन चलाई होती, हमारी मांगों को मुद्दों को अगर ये माने होते तो हम सरकार से क्यों अलग होते। ये लोग लंबे लंबे लच्छेदार भाषण करते हैं, गांव गरीब किसान मजदूरों की आवाज को किस तरह इन्होंने दबाने का काम किया। बाबा जी का जो बुलडोजर है ना, वो बुलडोजर जो है ना 10 मार्च को समझ में आएगा। बाबा जी का जो ललका सार है, उस ललका सार से किसानों को जो धन दुगना किया जा रहा, आय दुगना किया जा रहा, वो 10 मार्च को इनको समझ में आएगा। अब रही बात देश के गृह मंत्री की, हताशा बताता हूँ। देश के गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में आते हैं, वो रामायण पलट देते हैं, कहते हैं राम रावण की लड़ाई में जब रावण मृत सैया पे था तो राम जी ने भरत को बेचा। अब बताइए वहां भरत थे कि लक्ष्मण थे, कौन सी पढ़ाई की है, रामायण पलट दिया। उसके बाद देखिए अमित शाह जी का हताशा, कहते हैं कि 12वीं पास करके इंटर में नाम लिखाइए, लैपटॉप कंप्यूटर लीजिए। अब बताइए भैया 12वीं होता है या इंटर होता है, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। देश के गृह मंत्री का बयान है, लेकिन मीडिया इसको इशू नहीं बनाती है। इसी तरह सुनिए, बरेली में जाते हैं, वहाँ पे जो है गंगवार जी के प्रचार सुन लीजिए। दयाराम जी, अब देखिए मीडिया पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो फिर प्लीज जवाब ले लीजिए। वीडियो आपने कहां पर देखा था? नहीं जवाब नहीं सुनिए, वीडियो आपने कहां पर देखा था? आपने जिस प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखा था उसे भी न्यू मीडिया कहा जाता है सर, वो भी मीडिया से अलग नहीं है। सुनिए सुनिए हमारी बात, देखिए अमनदीप जी मैं जो कह रहा हूँ रिपोर्ट कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप चिल्लाते रहेंगे सामने, सामने वाले की नहीं सुनेंगे आप। और अगर देश के गृह मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं उसको मीडिया क्यों उठा रही है? नहीं आप अखिलेश यादव जी की नहीं कहेंगे, इंटर के बाद हाईस्कूल की बात कर रहे हो। मीडिया ही तो डेटा आप तक पहुंचाती है सर, फिर आप लोग मीडिया से ही पलट के सवाल करते हैं कि आपने क्यों नहीं दिखाया। अगर मीडिया दिखाती ही नहीं तो आप तक पहुंचता नहीं वो वीडियो। भार्गव साहब अरे अब सुन लीजिए, अब एक मिनट सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए अब एक मिनट सुन लीजिए, अरे मैं सुन लीजिए एक मिनट। जो आप गरीबों की बात कर रहे हैं, सहायों की बात कर रहे हैं, अपना व्हाट्सएप खोलिए, मैंने एक आपको लिंक भेजा है और उस लिंक में देख लीजिए कि बिजली के दाम किस किस सरकार में कितने कितने बढ़ गए हैं। जिस सरकार के साथ आप पार्टी के साथ हैं उसने कितने बढ़ाए, और जिससे साथ आपने गठबंधन तोड़ा उसने कितने बढ़ाए, जरा व्हाट्सएप चेक कर लीजिए, ठीक है कि नहीं। भाजपा की सरकार ने सिर्फ 2019-20 में, सुन लीजिए अब, सुन लीजिए अब, सुनेंगे नहीं आप, आप सुनेंगे नहीं आप, अब सुनेंगे, अब सुनेंगे नहीं आप, अरे आप सुनेंगे नहीं आप, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, अरे आप सुन लीजिए, आप सुनिए ना थोड़ा सा, अरे सुन लीजिए भार्गव जी मैं कह रहा हूँ आप, आपको बोलने का पूरा मौका दिया मैंने, लेकिन बाकी भी तो मेहमान है ना, उनको भी मौका देना है मुझे प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ किसी अखबार की रिपोर्ट है, जिस अखबार को आप मानते हैं गलत हो तो मुझे आप चैलेंज करिएगा, मैंने उसको पढ़ा है ठीक से, ठीक है कि नहीं। उसको आप, मैंने इसलिए भेजा है आपके पास कि आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, आप पढ़ लेंगे कि 2012-13 में 17% बढ़ाया समाजवादी पार्टी की सरकार ने, 13-14 में बढ़ाया 7% 6.658, 14-15 में बढ़ाया 8.90, 15-16 में बढ़ाया 5.47, 16-17 में बढ़ाया 3.18% और 17-18 में बढ़ाया 12% के आसपास, यह पढ़ लीजिए। और भाजपा की सरकार ने 19-20 में 11.69 बढ़ाया, दो बार यूपी पीसीएल ने रेट बढ़ाने के किया, वो सरकार ने रिजेक्ट कर दिए। और आज की स्थिति में यूपी पीसीएल 90,000 करोड़ के नुकसान में है, आप सस्ती बिजली की बात कर रहे हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, आप सुनेंगे नहीं आप, जब आप सुन लीजिए ना, अभी फातिमा जी जो कह रही थी, आप सुन लो ना, पहले पूरी बात सुन लीजिए ना आप। मैं फातिमा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब किसान आंदोलन चल रहा था कांग्रेस की सरकार में, अरे आप सुनिए ना, कौन की नहीं, मैं विपक्ष की नहीं बना रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं, विपक्ष की कमियां क्या होती है इसमें, आप सही बात नहीं कहेंगे, विपक्ष क्या होता है इसमें, विपक्ष क्या होता है, विपक्ष क्या होता है, विपक्ष क्या होता है, आप ये बताइए कि 2013 से पहले जब किसान आंदोलन आप कर रहे थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब किसके साथ थे आप, आप किसके साथ थे आप उस समय, आप किसके साथ थे उस समय, सुनिए सुनिए कौशिक जी सुनिए, हमें पता है आपको मंत्री विधायक बन जाएंगे वो अच्छी, अरे आप बनवा दीजिए ना, आप तो टिकट नहीं पा पाए, हमें क्या बनवाओगे, अरे फालतू बातें मत करिए, फालतू बातें मत करिए, फालतू बातें अपने बात रखिए, अपने पक्ष रखने के लिए बुलाया गया, अगर आपसे डेटा शेयर किया जा रहा है तो प्लीज उस पर बात रखिए ना, आपको यहाँ पर पत्रकारों को विधायक या मंत्री बनाने के लिए इनवाइट नहीं किया गया, प्लीज भार्गव जी कुछ भी आप गाते रहो, असम जी को दिखाइए, 2019 से पहले भाजपा बहुत अच्छी थी आपके लिए,
आपके लिए। ठीक है कौशिक जी प्लीज, मुझे और भी मेहमानों से सवाल करना है। ठीक ठीक ठीक, आप ये बताइए 2014 से पहले किसानों ने आंदोलन किया, कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा किसानों के साथ खड़ी थी, आज भाजपा सत्ता में पहुंच गई किसानों के साथ नहीं खड़ी है। मैं तो सारे दलों की बात कर रहा हूँ कि जब आप सत्ता पक्ष के साथ होते हो तुम्हारी आंखें कुछ और हो जाती हैं, विपक्ष के साथ मिल जाते हो आंखें कुछ और हो जाती हैं। तब सामाजिक न्याय समिति भूकंप ला रही थी उस समय, आज कुछ नहीं है। तब बिजली के दाम बढ़ रहे थे तब कुछ नहीं था, आज सब कुछ है। अरे कम से कम ऐसी बात करिए कि जनता भार्गव जी, भार्गव जी, भार्गव जी, सुनील कौशिक जी, मुझे बाकी मेहमानों से भी सवाल लेना प्लीज। आप किस दल के साथ थे, किस दल के साथ थे आप 2017 से पहले, किसके साथ थे आप? कुरैशी जी, कुरैशी जी, आप मुझे बताओ। मैंने आप दोनों को प्लीज बोलने का मौका दिया, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। असलम कुरैशी जी आप जवाब दीजिए कि जो डेटा शेयर किया गया, प्लीज सर प्लीज प्लीज, अछूता नहीं है, ऐसे डिबेट पूरी नहीं हो पाएगी। प्लीज कौशिक जी, प्लीज कुरैशी जी आप जवाब दीजिए कि जो डेटा सामने शेयर किया गया है वो तो देखिए समाजवादी पार्टी पर भी कई सारे सवाल खड़े कर रहा है, बिजली को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर आप घेरते हुए बीजेपी को जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आधिकारिक तौर पर डेटा देखा जाता है तो सवाल तो देखिए समाजवादी पार्टी पर भी फिर खड़े होते हैं। देखिए अमनदीप जी क्या डेटा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ पिछली सरकार में जो हमारी बिजली दर रही थी वो एक आम आदमी के माफिक यूनिट थी, 3.5 रुपए यूनिट बिजली का बिल आता था और इस सरकार में डबल हो गया। आप देखिए कि जो 7 रुपए से 8 रुपए यूनिट बिजली का बिल आ रहा है वो एक आम गरीब शहरी या ग्रामीण क्षेत्र का जो उपभोक्ता है वो उसका बिल नहीं दे पा रहा। और उसका मैं आपको बताता हूँ कि बिजली उपभोक्ता को कितना शोषण का सामना करना पड़ा, जब एक बिजली उपभोक्ता का बिल अगर 1000 रुपए भी आ गया तो 99 उसके घंटा से लाइन काम करता था और वो 99 300 रुपए उसके तार जोड़ने का काम करता था। तो ये भ्रष्टाचार बढ़ा था, आज उपभोक्ता परेशान रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने बिजली के सेक्शन पर वो काम किया, राज्यपाल जिले ने अंडरग्राउंड लाइन के रूप में काम करने काम किया और नए बिजली घर बनाने का काम किया, लेकिन जो बिजली दरें थी वो योगी सरकार ने उनको डबल करने का काम किया। और मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूँ, जब ये सरकार आचार संहिता चुनाव होने वाले थे, आचार संहिता लगने वाली थी, ये तो आपको भी मालूम होगा कि उनकी सरकार ने कहा कि हमने बिजली के बिल आधे कर दिए, यानी 3 रुपए बिल कर दिए। आप सभी का डाटा निकाल लीजिए, ये झूठ झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने का काम करके सभी उपभोक्ताओं के बिल और गरीबों के बिल वही यूनिट से आगे 7 रुपए 7.5 रुपए 8 रुपए ये झूठ बोलने का काम करते हैं। इन्होंने कहीं कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। महंगाई चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, शिक्षा बेरोजगार पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इस बार आप देखिएगा इतिहास रचा जाएगा 300 पिलर्स के साथ माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश की कमान संभालेंगे। ठीक है फातिमा जी, आप बताइए कि विकास के मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगे तो बढ़ रही है लेकिन लगता है कि जनता तक अपनी बात अभी तक पहुंचा नहीं पाई है, सक्रियता में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमी जरूर देखी जा रही है पूर्वांचल में। नहीं अमनदीप जी, जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है, जिस तरीके से प्रियंका गांधी लगातार जो है सड़कों पे है, संघर्ष कर रही है, वो हम जनता तक पहुंच रहे हैं। हम जिस तरीके से हमारे ब्लॉक लेवल के जो पदाधिकारी, हमारे जिला लेवल के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं वो सब अब जमीन पर जो है जनता के बीच में हैं। और हम आज से नहीं, हम चुनाव आते ही नहीं नजर आ रहे हैं, हम कोरोना काल में भी नजर आ रहे हैं। जब यही माँ गंगा जो है चीफ चीफ के बताया कि जब लाशें बह रही थी और रामनामी छीनी जा रही थी तब भी हम ऑक्सीजन मुहैया करा रहे थे, हम दवा लोगों में बांट रहे थे। और प्रियंका गांधी जी ने जो राजस्थान से बसें भी भेजी थी, लेकिन ये तानाशाह जो बैठे हुए हैं इस वक्त देश पर, उन्हीं ने उस वक्त भी मना करा था। तो ये जनता के हित की जो नहीं सोचता है। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, मजबूत विपक्ष वही होता है जो जनता की आवाज उठाए, चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन फातिमा जी, पूर्वांचल में महिलाओं की सुरक्षा के अलावा भी कई सारे ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर हमेशा जिक्र तो होता रहा है लेकिन उनका निराकरण नहीं हुआ है। नहीं, छुट्टा जानवर बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा इस बार, आप देखिएगा जिस तरीके से किसान तबाह हुआ है, उसका एक बड़ा मुद्दा है पूर्वांचल में।
बढ़ती बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है पूर्वांचल में। बिल्कुल, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा सभी मुद्दे हैं, लेकिन इस टाइम छुट्टा जानवर जो ये समस्याएं बनी है वो किसान उससे आहत है। पूरी पूरी रात चौकीदारी, और इस बार चुनाव में बेहद खुलकर इस बात का जिक्र हो रहा है, हालांकि पहले भी समस्या बनी हुई थी लेकिन इतना जिक्र नहीं हुआ है। सुनील कौशिक जी, आपसे एक फाइनल रिएक्शन में लेना चाहूंगी, छोटी छोटी पार्टियों की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में काफी ज्यादा प्रभाव उनका देखा जाता रहा है, पूरी की पूरी राजनीति जातिगत समीकरण के आधार पर ही टिकी हुई है, तो ऐसे में किस पार्टी का पलड़ा आप भारी देख रहे हैं? देखो, जो भी छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, जब इस प्रदेश की जनता ने बड़े राजनीतिक दलों की बात की, ठीक, जैसे समाजवादी पार्टी का जब उदय हुआ तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी से बड़ा कोई ओबीसी नेता नहीं था, ओबीसी की राजनीति उन्होंने शुरुआत की। जब लगा भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी की राजनीति सारी समाजवादी पार्टी के पाले में जा रही है, तो उन्होंने कल्याण सिंह जैसा चेहरा एक खड़ा कर दिया, और कल्याण सिंह जी ने राजपूत लोधी की बात वही उसी क्षेत्र में जहां मुलायम सिंह जी आते हैं उसी क्षेत्र में उन्होंने शुरुआत की, एक संतुलन बनाने का काम किया। ऐसे ही हम पूर्वांचल की बात करेंगे तो पूर्वांचल में भी वही स्थिति है कि या तो वह तो बहुत लोअर है या बहुत हाई है। जैसे अपन पश्चिम की बात करेंगे, मध्यम की बात करेंगे, तो यहाँ मध्यम फैमिलियां मिलती हैं, वहां मध्यम फैमिली नहीं है, या तो बहुत रोजगार है नहीं, बहुत गरीबी है, या जो कुछ भी गिने चुने हाथों पे वो बहुत पैसे वाले हैं। तो जो वहां की स्थिति है, निश्चित तौर से वहां के ओबीसी समुदाय का विकास नहीं हो पाया, और ये आंकड़े आपको बताते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के बावजूद जो आंकड़े निकल के आए, 15 करोड़ लोगों को राशन दे रही है सरकार, 15 करोड़ लोग ऐसे हैं इस प्रदेश में जिनके पास खाने के लिए राशन नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा, और इसका उत्तरदायित्व किसको होगा? भाजपा को, सारे भाजपा के साथ साथ कांग्रेस भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, सारे राजनीतिक दल हैं, सारी की सारी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन समुदायों का जिनके जिनकी राजनीति आप करते थे, जिनके नाम पर आप कई बार सत्ता में आए, लेकिन आज उन समुदाय की आप स्थिति देखिए। जैसे सामाजिक न्याय समिति की क्यों मांग उठी, बिल्कुल सही बात थी, मैं इस बात से सहमत हूँ। ओबीसी की बात, जैसे आप दलित की बात करेंगे, दलित पे किसने, एक ही जाति विशेष के लोगों ने दलित के नाम पर उसका आरक्षण का फायदा लिया, ठीक है, ओबीसी में भी वही शुरू हुआ। वक्त की कमी है मेरे पास में, दयाराम जी बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, बहुत कम शब्दों में। देखिए, मैं आज वाराणसी के सुपर विधानसभा में गाँव का नाम मैं बता दू, दीनापुर है। ये लोग जो लंबी लंबी लच्छेदार भाषण करते है ना, मैं नाम कौशिक जी देखिएगा, नाम और नंबर के साथ आपको मुहैया करा रहा हूँ, जिसको राशन नहीं मिल रहा है और जिसको आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, इसको कैमरे में आप देख सकते हैं। मैंने कहा ना, मैं धरती की बात करता हूँ कौशिक जी, आप लोगों की तरह हवा हवाई भाग दयाराम भार्गव नहीं करता है। मैं इसलिए चिल्लाता हूँ टीवी पे आकर के कि उत्तर प्रदेश में गरीबों वंचितों असहाय क्या हो रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हम भी देख चुके हैं जहां पर घोटाले की बातें कही जाती रही हैं। यहां पर पीएम आवास योजना से लेकर शौचालय तक सिर्फ कागजों में ही हुआ है पूरा, जमीनी हकीकत कुछ और थी। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा सर, 10 मार्च तक जनता ये फैसला कर देगी कि वो किस पार्टी पर अपना भरोसा जताती है। हालांकि सत्ता पक्ष अपने वादे जरूर कर रहा है, लेकिन विपक्ष वही सवालों के घेरे भी बना रहा है सत्ता पक्ष के लिए। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्र में इलेक्शन हो चुका है, बारी है अब पूर्वांचल की, और पूर्वांचल बेहद खास माना जाता रहा है। इससे पहले तो बीजेपी पूर्वांचल को साधने में सफल साबित हुई थी, लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि एक बार फिर से बीजेपी यहां पर सरकार बनाती है या फिर समाजवादी पार्टी की सक्रियता जो लगातार बढ़ती जा रही है वो भी अपना असर दिखाएगी, और बाकी जो पार्टियां हैं वो कितना असरदार साबित होंगी ये भी 10 मार्च को स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।